मैं हूँ आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। डॉक्टर रेला हॉस्पिटल का पहला पीडियाट्रिक बोन मेट्रो ट्रांसप्लांट क्लिनिक अहमदाबाद क्वार्टरनरी केयर हॉस्पिटल में खुला। डॉक्टर रेला इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल सेंटर RIMC चेन्नई की ओर वर्ल्ड मेडिकल टूरिज्म विविध रोगी जरूरतों को बढ़ावा देने और खानन पानन के लिए समर्पित है। RIMC की स्थापना लीवर ट्रांसप्लांट और सर्जरी के क्षेत्र में अग्रणी सर्जन द्वारा की गई थी, जिसके पास 5 दिन की बच्ची के सफल लीवर प्रत्यारोपण का विश्व रिकॉर्ड है। यह मोहम्मद रेला के नेतृत्व में किया गया था। RIMC देश में लीवर इंटेंसिव केयर यूनिट वाला सबसे बड़ा अस्पताल है। दुनिया का सबसे बड़ा लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर है, जो अहमदाबाद शहर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पेश है अहमदाबाद से नीता लिम्बाचिया की खास रिपोर्ट। हूँ डॉक्टर किनीशा पटेल छू, हूँ वन ऑफ द डायरेक्टर की ओरवल मेडिकल टूरिज्म पार्ट छू। अमे हमारी क्लिनिक पर बोन मैरो रिलेटेड ट्रांसप्लांट एट्ले कि अस्थि मज्जा ट्रांसप्लांट और ब्लड डिजॉर्डर एट्ले कि जे पण बच्चाओ ने ब्लड ना कोई पण प्रकारनी बीमारी होय एना रिलेटेड अदरवाइज कैंसरस कंडीशन एना रिलेटेड रेला हॉस्पिटल चेन्नई साथे एसोसिएशन करेलू छे। अने कोईपण बच्चा ने जन्म थी लईने कोईपण मोटा बाळक ने पण आवी ब्लड नी बीमारीओ थई शके छे इन्क्लूडिंग कैंसर पण। तो आ रिलेटेड ज्यारे पण बच्चा ने जरूर पड़ती होय छे त्यारे ट्रांसप्लांट एक एवो ऑप्शन छे જ્યારે બચ્ચાને એક લાઈફ સેવિંગ છે અને ઘણા જ બધા બચ્ચાઓ આનાથી એક નોર્મલ લાઈફ જીવી શકે છે જેને જિંદગીભર એવું કહી શકાય કે દવાઓની પણ જરૂર નથી પડતી। સો આના રિલેટેડ અમે લોકોએ અહીંયા ક્લિનિક સ્ટાર્ટ કરી છે જેમાં રેલા હોસ્પિટલમાંથી ડોક્ટર રિષભ અહીંયા મંથલી વન્સ એટલે કે મહિનામાં એકવાર અહીંયા ઓપીડી કરશે। પ્રી ટ્રાન્સપ્લાન્ટ અને પોસ્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કેર અહીંયા જ કરવામાં આવશે અને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ છે તે રેલા હોસ્પિટલ ચેન્નઈમાં કરવામાં આવશે। હમ યહાં પે અહમદાબાદ મે હર મહિને एक आउटरीच क्लिनिक कंडक्ट करने वाले हैं, मेनली फॉर चिल्ड्रन विथ ब्लड डिसऑर्डर्स, मतलब हेमेटोलॉजी मतलब खून के जो भी डिसऑर्डर है, कैंसर एंड जो भी बच्चों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो उन बच्चों को हम हर महीने यहाँ पे असेस करके कैसे बेस्ट उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ये हम हर महीने देखने वाले हैं। सर कितनी एज का बच्चे को ये ट्रांसफर किया जाता है? तो हमारे टीम ने एक बहुत लंबी एज ग्रुप का ट्रांसप्लांट हमने किया है, मतलब एक तीन महीने का बच्चे का भी ट्रांसप्लांट किया है और 20 साल के लड़का का भी हमने ट्रांसप्लांट किया है।